हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? भगवान जी से यही प्रार्थना कि हमेशा अच्छे रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। बहुत चुन चुन के क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ठीक है? अब पूरे चांसेस हैं आपके, जो आप कंपटीशन करते हैं ना, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करते हैं, पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। ये क्वेश्चन सीरियसली में लें ना मैं, ठीक है? गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखिए, एक क्वेश्चन है 3.4567 का होल स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर अपॉन 0.0034। अब इसमें हमें यह देखना, क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को आप देखते हैं, देखा जाता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और किस चीज का रूप है, ये कौन से फार्मूले का रूप है या नहीं है, किस फार्मूले को प्रदर्शित कर रहा है ये। जैसे एक ए स्क्वायर है, ये हमारी कंडीशन क्या हो गई पूरी, ये पूरी हमारी ए हो गई, ये कंडीशन हमारी पूरी बी हो गई। भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, एक फार्मूला होता है हमारा, ध्यान से देखना, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस वी। ठीक, तो भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, इसमें से आप माइनस कर लीजिए, ये यही कंडीशन आएगी। तो हमें निकालना क्या है भाई, ए माइनस बी हमें दे रखा है, ए माइनस बी दे दिया, ए स्क्वायर भी दिया, माइनस बी स्क्वायर भी दिया, हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है। ठीक, जब तक आप फार्मूले नहीं देखेंगे साहब, ठीक है, तब तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ए प्लस बी निकालना है तो भैया निकाल लो, ए प्लस बी, भाई ये हमारी वैल्यू क्या है, 3.4567 प्लस बी क्या है, 3.4533। भाई निकाल लीजिए, 7 3 10 का 0, ठीक, हासिल 1 6 3 9 10 का 0, फिर हासिल 1 5 5 10 11 का 1, हासिल लगा 1 4 4 8 1 9.6, यानी 6.9100। ये हमारी क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना ऐसे ही आसान तरीके से आपको करना है, बस आपको मेन है फार्मूला याद होना चाहिए आपको। एक अगला क्वेश्चन है 0.05 × 0.05 × 0.05 माइनस 0.04 × 0.04 × 0.04 अपॉन 0.5 × 0.5 प्लस 0.002 प्लस 0.04 × 0.04। अब ये हमारा ध्यान से देखिए भाई, ये 0.05 तीन बार है, 1 2 3 बार है, 0.05 तो ये हमारा क्या हो गया, ए क्यूब हो गया भाई, तीन बार है तो ए क्यूब हो गया ये, और ये माइनस ये भी तीन बार है हमारा, ये हो गया बी क्यूब, 0.04 भी तीन बार, ये बी क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया भाई, 0.05 पॉइंट दो बार है तो ए स्क्वायर, ठीक, और बी स्क्वायर, ठीक, तो अब प्लस ए बी, प्लस ए बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी इन दोनों को जोड़ लेना आप, साहब आपकी ये कंडीशन आ जाएगी ए बी। ठीक, तो आप फार्मूला हमारा होता क्या है, ए माइनस वी, क्या ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो हम भाई हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी रूप है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी का भी रूप है। ठीक है, ये ए बी हो गया हमारा, निकालना क्या, ए माइनस बी निकालना, निकाल लो भैया सॉल्व, ए माइनस बी निकालना, ए हमारी क्या चल रही है कंडीशन, 0.05, माइनस बी क्या चल रही है, 0.04, 0.04 बराबर क्या आ गया, 0.01 आंसर। ठीक, कितने अच्छे, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा, चलिए मैं आपके लिए निकाल के रखा है मैंने क्वेश्चन तीसरा,
क्वेश्चन तीसरा है, बहुत हिसाब से पुरानी से पुरानी किताबें, अच्छे अच्छे सॉलिड क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए। एक क्वेश्चन तीसरा मैंने और निकाल के रखा है। रैकेट 41.59 इंटू 41.59 प्लस 58.41 इंटू 58.41 प्लस 83.18 इंटू 58.41 का होल हाफ यानी 1/2 की पावर 1/2। ठीक, अब यहां पे सॉल्व इसको कैसे करना है। भाई एक फार्मूला होता है हमारा, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर दो बार 41.59 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दो बार 58.41 b स्क्वायर प्लस 2ab, b हमारा क्या हो गया, b हो गया हमारा 50, j हो गया 58.41 और a क्या है हमारा 41.59। तो 41.59 की में 2 की मल्टीप्लाई आप कर लेना, यही कंडीशन आ जाएगी, यानी कि ये हमारी क्या हो गई 2a पड़ा है, ये क्या पड़ा है 2a यानी कि इंटू 2a। तो पूरी कंडीशन हमारी क्या हो गई है ए बी पड़ी हुई है भैया आपके सामने दिख रही पूरी। ठीक, अब देखिए तो हमारा फार्मूला कौन सा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कौन क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a तो a प्लस बी, a हमारी क्या हो गई 41.59 प्लस b क्या हो गई 58.41 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, 9 × 10 = 0 हो गया, 5 × 9 = 10 = 0, 8 × 9 = 10 = 0, 5 × 9 = 10 यानी 100 क्या हो गया 100 का स्क्वायर, और इसका 100 का स्क्वायर हो गया 100 का स्क्वायर इनटू पावर चल रही 1/2, तो 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो बचा हमारा 100 बचा आंसर। कितने सरल मेथड से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। चलने की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।